नमस्कार, सनराइज न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये हमारा रटा रटाया लोगो स्लोगन है जो हम हमेशा बोलते हैं। आज हमारी यात्रा पहुंच चुकी है शाहजहांपुर, और हम सुबह बदायूं से निकले थे। हमने जिस वक्त शाहजहांपुर में कदम रख रहे थे उस वक्त भी एक लाइव किया था और आपको बताया था कि हम शाहजहांपुर में कदम रख रहे हैं। तिलहर से हमारी शुरुआत हुई थी। तिलहर जितिन प्रसाद का क्षेत्र है, जब वो वहाँ से आते हैं, विधायक भी रहे हैं वो वहाँ से, और तिलहर के बाद जब हम शाहजहांपुर में एंट्री करी तो वो शायद तिलहर ही था जहां हमने गन्ने का रस पिया था। तिलहर ही था वो। हाँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं तो बनायू में हमने एक सर्कस की रिपोर्ट करी थी। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद विशाल, आपने एक यहाँ के समाजवादी पब्लिक पार्टी के ओपिनियन भी किया पहले था। पहले पब्लिक ओपिनियन किया था, लोगों से बातचीत करी। राय खुर्द एक गाँव था, वहां पर हम लोग गए, लोगों से बातचीत करी, जानने की कोशिश करी कि शाहजहांपुर में क्या कुछ माहौल है। चुनावी माहौल की हमने बातचीत करी, लोगों से जानने की कोशिश करी कि बीते सालों में कुछ कामकाज हुआ है। सदर सीट की अगर बात करें शाहजहांपुर की, तो 8 बार से विधायक रह चुके सुरेश खन्ना, जो कि यूपी सरकार में मंत्री भी है, तो उन्हीं का यह पूरा गढ़ माना जाता है। भाजपा का भी गढ़ माना जाता है, लेकिन भाजपा से ज्यादा अगर चेहरे की बात करें तो वो चेहरा सुरेश खन्ना का है। सुरेश खन्ना को एक तरीके से वहां का गढ़, मतलब उन्हीं के नाम पे वो गढ़ समझो बसा दिया गया है। तो जब लोगों से बातचीत करी तो कई लोगों का यह मानना था भले ही वो 8 बार से विधायक बने हो, लेकिन कामकाज कोई बेहतर कामकाज नहीं करके दिखाया। गांव के देहात के हालात आज भी खराब है, वही किसानों की समस्या, खेती का बुरा हाल, गाय और बछड़ों से परेशान। फिर समाजवादी पार्टी के एक जो प्रत्याशी है तनवीर खान साहब, उनसे बातचीत करी, उन्होंने उनसे इंटरव्यू लिया, वो भी बिल्कुल जोश में कह रहे थे कि भैया भाजपा को इस बार करारी हार देंगे, 8 बार के विधायक का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और इस तरीके से उनका भी इंटरव्यू किया। तो जल्दी जगह बहुत शानदार, हाँ, थी, जगह बहुत शानदार थी, शहीद स्थल था वो। तो उनका कहना ये था तनवीर खान का कि उन्होंने ही वो बनवाया है, मतलब विधायक का इसमें कोई रोल नहीं था, सांसद का कोई रोल नहीं था, उन्होंने खुद ही अपने जिस भी राशि से बनवाया, उनका कहने यह था कि हमने बनवाया अपने हिसाब से, तो मतलब बेहतर है। बाकी उनका ये था कि इस बार भाजपा का जो विधायक है 8 बार से जो लगातार बन रहे हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा और इस बार समाजवादी पार्टी के हत्थे चढ़ेगी ये सीट। और जाहिर तौर पर सुरेश खन्ना चूंकि यहाँ से आते हैं तो एक वित्त मंत्रालय संभालते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, एक बड़ा मंत्रालय है, और जाहिर सी बात है जब सुरेश खन्ना यहाँ से निकलते हैं तो शाहजहांपुर की अहमियत अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि प्रदेश का नेतृत्व वित्त मंत्री के तौर पर उन्हीं के हाथों में है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने यहाँ पर उसके बाद एक हमने गांव में ओपिनियन पोल किया था, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में लहर जा रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो जब हमने दूसरी विधानसभा थी, विधानसभा का नाम, गांव का नाम, हाँ गांव का नाम जमुई, हाँ जमुई नाम था, तो वहां पर हमने जब करी तो वहां से जो प्रत्याशी थे उस विधानसभा से, वो मानवेंद्र सिंह है। मानवेंद्र सिंह के जाहिर तौर पर एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लोग चेहरे, प्रत्याशी का चेहरा देख करके वोट नहीं दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल और बड़े नेतृत्व यानी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वोट दिया जा रहा है। और उनका जाहिर तौर से कहना है कि हमें हिंदुत्व के मुद्दे पर हम वोट दे रहे हैं, राम मंदिर बन गया है और तमाम काफी सारी चीजें हुई हैं, हिंदू आगे बढ़े हैं, हिंदुओं को पहले खतरा था अब वो खत्म हुआ है, तो उसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि वो हम वोट दे रहे हैं। और उसको लेकर के एक अलग सी मतलब चीज ये लगी थोड़ा सा कि आप बेशक अपने सवाल तो कम से कम उठाने की कोशिश करिए, अपने जो आपके जनप्रतिनिधित्व हैं उनसे सवाल पूछने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जब उन्हें वोट दे देते हो तो आपकी जिम्मेदारी और उनकी जवाबदेही दोनों ही बढ़ जाती हैं। तो उनसे क्वेश्चन करिए, कोशिश करिए और उनसे क्वेश्चन पूछने की हिम्मत जताइए इतनी। तो हमने वही उनको बताया। खैर, इस बार जो बयार जा रही है वो है, लेकिन अभी जब शाम को हम एक जगह विशाल चाय पीने गए थे, बस स्टॉप का एरिया है वो शाहजहांपुर खास का, तो वहां से काफी सारे लोग जो एक समूह में खड़े थे उनका ये कहना था कि इस बार शाहजहांपुर से साइकिल चलने वाली है, और जाहिर तौर पर प्रदेश में भी जो है वो साइकिल, और वो यही जो दुकान लगाते हैं वही लोग थे जो चाय वाय पिलाते हैं, उनका कहना था कि शाहजहांपुर से इस बार साइकिल निकलेगी और साइकिल एक भारी मतों से विजयी बनेगी, क्योंकि लोगों का भरोसा है कि जिस तरह से वित्त मंत्री यहाँ पर रहे, सुरेश खन्ना यहाँ पर रहे, तो वो चीजें नहीं हुई, वो कामकाज नहीं हुए जो होने चाहिए थे। और एक बात और आई, जो भाजपा के समर्थक हैं जो इस बार भाजपा को वोट देंगे उस गांव में, वो लोग भी ये बात कह रहे थे कि हम एक बार मौका और दे रहे हैं इस पार्टी को, अगर हमारी खेतों की समस्याएं नहीं सुधरी, अगर हमारे जो अन्न मवेशी फसल साफ कर जाते हैं इनकी समस्या नहीं सुधरी, तो फिर योगी और मोदी दोनों का नाम खत्म कर देंगे।
तो ये जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी बात वहाँ के लोग कह गए। फिलहाल हम शाहजहाँपुर में रुके हुए हैं, कल भी हमारी यहाँ से कवर होगी, उसके बाद फिर हमारा अगला रहेगा कासगंज और एटा की तरफ की सफर रहेगा। फिलहाल शाहजहाँपुर से जो अपडेट होंगी वो हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। कई सारे ओपिनियन पोल यहाँ के, कई सारे इंटरव्यू हैं, जाहिर तौर पर सुरेश खन्ना का इंटरव्यू कल विशाल करेंगे, तो वो भी एक बड़ा अहम रहेगा कि इस बार क्या उनके विजन है, क्या चीजें हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का इंटरव्यू किया ही है और तमाम काफी सारे लोगों के यहाँ पे राय भी जानने की कोशिश करेंगे। कई सारे प्रत्याशियों के कल इंटरव्यू होगी, कल बातचीत होगी। ये भी लोगों को ये भी जानना बहुत जरूरी है, दर्शकों को, कि शाहजहांपुर यूपी के चुनावों में ही नहीं बल्कि देश के चुनावों में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर लोकसभा के भी चुनाव होते हैं तो यहाँ से बहुत एक कह सकते हैं बड़ी भूमिका निभाता है शाहजहांपुर। तो जो मंत्री अभी है सुरेश खन्ना, वो 2004 में पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाया था, उनके अंदर एक वो आ गया था कि हाँ जोश की भैया इतनी बार विधायक बन चुके तो हो सकता है एक बार लोकसभा का चुनाव और लड़ा देते हैं, तो क्या पता यहाँ से सांसद ही बन जाए। लेकिन खैर वो जोश ठंडा हो गया था उस दौरान 2004 में जो सुरेश खन्ना जब चुनाव लड़े तो वो हार गए। फिर उसके बाद उन्होंने मन बनाया कि मैं विधायक तक ही ठीक हूँ, मैं सांसद बन भी गया तो एक बार के बाद दोबारा नहीं बन पाऊंगा, इसलिए वो अब लगातार विधायक ही बनते हुए हैं। 2017 में 1,00,000 के पार उनके वोट गए थे और इस बार के हालात देखने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि जो हमने आज नोटिस करी कि वो 1,00,000 का आंकड़ा भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, वित्त मंत्री है यूपी सरकार में, विधायक है यहाँ से, वो 1,00,000 का आंकड़ा पार कर पाएंगे। जाहिर तौर से देखना अहम रहेगा, हमारी पूरी नजर है इस क्षेत्र पर और उसके बाद की जो भी अपडेट होंगी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है, हमें सोना चाहिए, लगभग 12:30-1 बज रहा है, तो अब हम चलते हैं कि कल हमारी फिर से यात्रा शुरू होगी और वहां से आपको अपडेट देंगे। आप सबको भी सोइए, शुभरात्रि, और कल जो भी अपडेट होंगी आपको हमारे पेज पर ही मिलेगी।